दोस्तों यदि आप भुवनेश्वर कुमार को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हैदराबाद और राजस्थान के बीच मुकाबले में पहले रॉयल्स के रजवाड़ों ने विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का आलम यह रहा कि राजस्थान में सनराइजर्स के खिलाफ 211 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा की आग उगलती हुई गेंदबाजी के आगे हैदराबाद के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा और भुवनेश्वर कुमार में कौन है खतरनाक गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों पुणे के मैदान पर जब हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी तो उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह फैसला उनका इतना गलत साबित होगा। इस मुकाबले को जीतना तो दूर की बात है, मुकाबले में बने रह पाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हां, पहले तो संजू सैमसन से लेकर सिमरन हेटमायर तक ने हैदराबाद के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और वहीं इसके बाद 211 रनों के विशाल लक्ष्य का बचाव करते हुए ट्रेंट बोल्ट की अगुवाई में राजस्थान के गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की कि पहले ही मैच में हैदराबाद ये मुकाबला गंवाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करने आए जॉश बटलर और यशस्वी जायसवाल ने पहले ही पावर प्ले में गदर मचाते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और आपको बता दें कि पहले पावर प्ले में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बिना किसी नुकसान के टीम का स्कोर 58 रनों के पार पहुंचा दिया। इससे पहले चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए इमरान मलिक के एक ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बना डाले। जी हां दोस्तों, इसके बाद तीसरी गेंद पर भी जॉश बटलर ने एक बेहतरीन चौका लगाया और आपको बता दें कि यह गेंद भी नो बॉल थी। हालांकि फ्री हिट पर जॉश बटलर ज्यादा नहीं कर पाए कुछ भी, लेकिन आखिरी गेंद पर उन्होंने अपने ही अंदाज में स्विच हिट लगाते हुए एक बेहतरीन छक्का लगाकर इमरान मलिक के इस ओवर में 21 रन बनाए। और इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को ठोस शुरुआत दिलाई। और इसके बाद इन दोनों के जाने के बाद कप्तान संजू सैमसन और देवदत्त पणिक्कल निकले राजस्थान की पारी का भार संभाले और इन दोनों ने ही हैदराबाद के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए पहले 10 ओवर में ही राजस्थान को 2 विकेट के नुकसान पर 87 रनों के पार पहुंचा दिया। और इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी का आलम यह रहा कि राजस्थान ने 15 ओवर तक लगभग 150 रन बना लिए थे। और इसके बाद हैदराबाद के गेंदबाजों ने थोड़ी वापसी जरूर की, लेकिन देवदत्त पणिक्कल ने 29 गेंदों में 41 रन और कप्तान संजू सैमसन के आक्रामक 27 गेंदों में 55 रन की तूफानी पारी बहुत काम की रही टीम के लिए और ये अपना काम कर चुके थे। इसके बाद आखिरी के ओवरों में सिमरन हेटमायर ने रियान पराग के साथ मिलकर राजस्थान को 210 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसमें विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए सिमरन हेटमायर ने महज 13 गेंदों में 32 रन बना डाले और उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। और वहीं हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 4 रन देकर 1 विकेट लिया, तो वहीं नटराजन और उमरान मलिक ने भी 2-2 सफलताएं अपने नाम की। हालांकि हैदराबाद की तरफ से सारे ही गेंदबाज महंगे साबित हुए और सबसे ज्यादा महंगे वॉशिंगटन सुंदर रहे, जिनके 3 ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों ने 45 रन बनाए। और वहीं दोस्तों 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक रही। और आपको बता दें कि पहले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक शानदार आउटस्विंग पर विकेट के पीछे खड़े संजू सैमसन और देवदत्त पणिक्कल ने उनका शानदार कैच लपक लिया। और हम आपको संजू और देवदत्त पणिक्कल का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हवा में डाइव लगाते हुए संजू सैमसन ने गेंद को देवदत्त पणिक्कल की तरफ उछाल दिया और पणिक्कल ने हवा में डाइव लगाते हुए इस कैच को शानदार तरीके से अंजाम दिया। पहले ओवर में ही विकेट गंवाकर हैदराबाद की टीम मुश्किलों में फंस गई। हालांकि सनराइजर्स के प्रशंसकों को यह उम्मीद थी कि इसके बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर हैदराबाद को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की आग उगलती हुई गेंदबाजी के आगे हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज खेलना तो दूर टिक भी नहीं पा रहा था। और तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने राहुल त्रिपाठी को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी और 3 ओवर में ही आपको बता दें कि इसके साथ 2 रन देकर 2 बड़े विकेट ले लिए। और इस मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने गजब की दमदारी दिखाई और गेंदबाजी की और राजस्थान ही नहीं दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शुमार ट्रेंट बोल्ट ने गजब की गेंदबाजी की और उन्होंने हैदराबाद की सबसे बड़ी उम्मीद को तहस नहस करते हुए सिमरन हेटमायर को भी खाता तक नहीं खोलने दिया। और 5 ओवर में केवल 13 रन बनाकर हैदराबाद अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी और अब वहां से सनराइजर्स हैदराबाद को मुकाबला जीतना तो दूर की बात है, मुकाबले में बने रहना भी मुश्किल हो गया था। और इसके बाद अभिषेक शर्मा और एडम मार्करम ने धीरे धीरे अपने पारी को संभालने की कोशिश की और इन दोनों ने जैसे जैसे तैसे करके 7 ओवर के बाद अपनी टीम का स्कोर 21 रनों के पार पहुंचा दिया। और अभी भी हैदराबाद को जीत के लिए 75 गेंदों में 188 रनों की जरूरत है, जो कि असंभव सा लग रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में से आप कितने नंबर देंगे इस गेंदबाजी को, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबर
अपडेटों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।